एनसी हिल्स के सीईएम देबोलाल गार्लोसा ने गुरुवार को हाफलोंग के पास फियांगपुई में कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ अध्यक्ष रानू लांगतासा, ईएम बिजित लांगतासा के साथ अन्य लोग मौजूद थे। इन विकास परियोजनाओं में देवराय के बगेटर ट्राई जंक्शन तक सड़क के निर्माण का काम, फियांगपुई में बाइटे देबेनपुई हॉल का निर्माण और फियांगपुई ट्राई जंक्शन से फियांगपुई हायर सेकेंडरी स्कूल से रिटेनिंग वॉल और ह्यूम पाइप वाले पुलिया का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने फियांगपुई हायर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उनके साथ मंत्री नंदिता गार्लोसा भी मौजूद रही। सभा को संबोधित करते हुए सीएम गार्लोसा ने बताया कि उनकी सरकार सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति पर प्राथमिकता देते हुए जिले और लोगों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री नंदिता गार्लोसा ने भी शिक्षा पर महत्व और छात्र को उचित सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया, ताकि छात्र उचित शिक्षा प्राप्त कर सके और समाज में खुद को स्थापित कर सके। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में और भी बहुत कुछ किया जाना है। 2021 में फाउंडेशन स्टोन किया था हम लोग का, काउंसिल का बजट से हम लोग काम किया, 80 लाख का प्रोजेक्ट था और ये सक्सेस हुआ है। हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी भी अपग्रेडेशन भी हुआ है और साथ में हम लोग का ऑनरेबल ईएम लोग से इसको अच्छा से काम करा और कॉन्ट्रेक्टर ठेकेदार भी काम हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा माफी हम लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी 6-2 बनाया, तो इसको भी पूरा ऐसा माफी हम लोग बिल्डिंग बनाएगा, इसमें कॉमर्स साइंस आस्ते आस्ते पूरा होगा और बच्चा लोग उनका गरीब का फैमिली बच्चा लोग सब यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने चाहेगा और स्कूल का ऐसा माफी हम लोग पूरा फाउंडेशन हम लोग काम करके जा रहा है और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 10-15 साल का बाद में बच्चा लोग उनका अच्छा शिक्षा मिलेगा। मकसद क्या है? सीधा सीधी है, हम लोग का गाँव का गरीब का बच्चा लोग शिक्षा मिलना चाहिए, संविधान में भी लिखा है शिक्षा बराबर मिलना चाहिए। आज काउंसिल का तरफ से जो उन लोग ने प्रोग्राम रखा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया टू द स्टूडेंट्स ऑफ एमई सेक्शन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर में, वो बहुत ही अच्छा एक स्टेप था काउंसिल का। तो इस एनसाइक्लोपीडिया देने के बाद में हम लोग सोचता है कि स्टूडेंट्स लोगों को और जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फैसिलिटीज़ नहीं होता है वो काउंसिल ने अंडरटेक किया है और इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को और फैसिलिटी मिले। तो इस टाइम में बजट के हिसाब से किया है, सो सब स्कूल्स कवर नहीं हुआ, तो आने वाला साल में इन द कमिंग बजट ऑनरेबल ईएम सर तो ज़रूर करेगा बोल के सोचता है, सो सब कवर्ड ऑफ एमई स्कूल्स सब कवर्ड हो जाएगा। बुक्स तो हमेशा बेनिफिट होता है, कोई बुक्स बेनिफिट नहीं होके नहीं जाता, ये स्टूडेंट्स लोगों को ऊपर में है कि कितना अच्छे से पढ़ने सकेगा नहीं सकेगा। तो टीचर्स लोगों को रिक्वेस्ट करेगा ये स्कूल्स में जब दिया है कबर्ड में नहीं रखने के लिए, और एक एक हफ्ता में एक बार उन लोगों को ये बुक्स का पढ़ने के लिए रखने के लिए।